तो यार आज मैं चेक करने लगा यार अपने पैरेट के वजीफ क्रोनी प्रोडक्ट्स, क्योंकि यार जब लास्ट टाइम हम आए थे मुझे याद है कि यार इसमें ना यानी कि 10 प्यार है और 30-40 बच्चा निकला हुआ था। तो यार मैंने सोचा दोबारा चेक कर लूँ, क्योंकि अगर कोई बच्चा बड़ा होकर एक्सपायर होता है तो यार मैंने आपको बताया हुआ है कि यार वो खतरनाक होता है बाकी बच्चों के लिए, तो उसे निकालना होता है। तो यार यहाँ पर आप थोड़ा रिजल्ट गंदा आएगा क्योंकि बाहर से रोशनी है। तो यार सबसे पहले चेक कर लेते हैं जोली नंबर हम वन को। तो जोली नंबर वन में हमारा एक बच्चा था और माशाल्लाह एक ही बच्चा है और रेड आइज है और बड़ा भी हुआ बैठा यार जी। तो यार ये तो ठीक हो गया। अब इसके बाद बारी आते गए जोली नंबर टू की। इसमें काफ़ी सारे बच्चे निकले हुए थे पिछली दफ़ा और अब भी मेरे ख्याल में 2-3 बच्चे थे। और अब चेक कर लेता हूँ मैं गिली गिली। ओ यार गाइस गाइस मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा पैरा यार। पहले मैं बच्चों को हाथ नहीं लगाता था लेकिन अब मैं लगा लेता हूँ, तो पहले डर लगता था यार ऐसे में थोड़ी सी ना खफत आती थी। तो यार इसके 3 बच्चे हैं गाइस और 3 बच्चे थे अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ठीक है। तीसरी को चेक कर लेते हैं गाइस। तीसरी में माशाल्लाह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे हैं गाइस इसके। वो यार ऐसे गाइस ये देखें यार, ये एक छोटा सा ये पड़ा हुआ है ठीक है, इसके साथ जो पड़ा हुआ है ये सारे ये 3 हो गए और ये 1, 4, 5, 6, 7 बच्चे हैं माशाल्लाह यार इसके। ठीक हो गया यार इसके, तो 7 बच्चे इसके हैं 3 इसके हैं 10, 10 और 1, 11 बच्चे हो गए। चौथी को चेक कर लेते हैं गाइस। चौथी में भी तो यार मुझे इसमें भी बहुत सारे बच्चे गाइस नजर आ रहे हैं, तो यार इसको मैंने हटा लिया फिलहाल। फीमेल को भी बाहर निकाल लेता हूँ। चलो भाई बाहर जाओ मैंने ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमारी चेक करने। तो यार अभी ये उड़ जाएगी बल्कि नहीं उड़ी, वो कहते हैं बच्चों को हवा ना लगे। तो यार इससे चेक करते हैं गाइस, इससे मेरे ख्याल में इसके भी काफ़ी सारे बच्चे निकले पड़े हैं यार, इकट्ठे हुए पड़े हैं ना सर्दी की वजह से। 1, 2, 3, 4, 5 अब सही गिने जाएंगे यार। 1, 2, 3, 4, 5 6 बच्चे इसके हैं जी, 11 और 6। तो यार सिर्फ 4 डोले तक गाइस हमारे हो गए हैं 17 बच्चे माशाल्लाह। इसको बंद कर देते हैं यार ये सुकून करें आप 17। और नेक्स्ट चेक कर लेते हैं ये एक बच्चा 18, किसी में एक है और किसी में 7 है। तो यार ये 18 हो गए गाइस। अभी हमने यार आगे भी चेक करने का देखिए पेयर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतने हैं, लेकिन डोलियाँ मैंने कुछ ज़्यादा लगाई मुझे आपको इसलिए ना कुछ डोलियाँ खाली नजर आएंगी। तो यार 18 बच्चे गाइस ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट 6 को चेक कर लेते हैं ये खाली है। 7 को चेक कर लेते हैं, इसमें माशाल्लाह 1, 2, 3, 21 बच्चे हो गए यार हमारे रोल नंबर 7 तक 21 बच्चे। रोल नंबर 8 को चेक कर लेते हैं। 8 में भी ये देखो यार फीमेल ने पुराने अंडे खराब कर दिए और नए अंडे देना स्टार्ट कर दिए। ये 3 इसके नए अंडे हैं और ये 4 जो है ना ये 2 पीछे वाले और ये 2 आगे वाले, ये जो 4 है ना ये हैं गाइस इसके यानी कि न्यू अंडे। तो यार इसकी मैं कैंडिंग कर लेता हूँ अभी। कैंडिंग का मतलब यार ये होता है कि पुराने अंडे जो खराब हो गए वो निकाल के फेंक दो ठीक है। तो यार यहाँ तो हो गए थे गाइस हमारे 21 बच्चे। नेक्स्ट चेक कर लेते रोल नंबर 9 को। 9 वाले फीमेल अंडे देने के लिए तैयार हो रही है कि भाई अंडा दूँ और कुछ बड़ा दूँ ताकि ज़्यादा कीमत लगे उसकी है ना। तो यार नेक्स्ट चेक कर लेते गाइस नीचे वाली को। इसके भी 3 बच्चे माशाल्लाह 22, 23, 24 बच्चे हो गए हमारे डोल नंबर इधर तक ठीक है 24। और ये फीमेल नए अंडे देना स्टार्ट कर रही है। इसके पुराने बच्चे थे वो अभी अभी बाहर निकल के ना ये फिर रहेगा। जो बाहर भी काफ़ी सारे यार बच्चे निकले हुए हैं ये देखें, ये बच्चा एक ठीक है, इसके अलावा ये एक बच्चा बैठा हुआ है 2, एक ये बच्चा बैठा हुआ है 3 और ये बच्चा बैठा हुआ है 4। 4 बच्चे बाहर है, इनको भी गिनते हैं यार। 24 हो गए थे हमारे तो 4 ये हो गए गाइस 28 बच्चे ठीक है। तो इसके नए अंडे थे 28 और इसके अलावा ये एक बच्चा बैठा हुआ है 29 बच्चे हो गए गाइस। अब रह गए हमारे आखिरी डोली यार 29 और 30 और 34 बच्चे। तो माशाल्लाह यार गाइस इस एवरी में हमारे 34 बच्चे निकले हुए हैं पेयर मेरे पास, आपको पता है यार सिर्फ और सिर्फ 10 पेयर हैं इस एवरी में और 34 बच्चे इन्होंने निकाले हुए हैं। अभी कुछ के अंडे भी हैं और कुछ के अभी बच्चे यानी कि निकलने वाले हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये वाला पेयर दिखाया, इसके भी अंडे हैं ठीक है, ऊपर वाला एक पेयर दिखाया उसके भी अंडे हैं, तो इनके भी अंडे निकले हुए हैं। मेरे ख्याल में 40 बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन तब तक इनके बाहर आ गए होंगे बच्चे और इनको मैंने पकड़ लिया होगा यार। बच्चे अच्छा यार रिजल्ट आया पड़ा है माशाल्लाह। तो यार टेक केयर, बाय।